पुष्पांजलिः ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाकं महिमानस जन्त जत्रपूर्वे प्रचोदयात् श्रीमन् महागणाधिपते नमः सर्वोपचारार्थे प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि घोरकष्टः नहीं 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 कर रहा मैडम एक फैमिली एक एक फोटो करते हैं ना गणपति के साथ एक फोटो एक मिनट पीछे पीछे दादा पीछे दादा सुनता मैं नहीं 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 ओके सर सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरिया एंड हर साल हम देखते हैं कि ये फेस्टिवल के मौके पर पूरी फैमिली जो है आप रहते हैं एंड आरती भी सो क्या कुछ फील करते हैं आप आज के इस दिन क्या कहना चाहेंगे आज के शाम आज के इस दिन के बारे में हमारे फैमिली मेंबर की तरह है गणेश जी और हर साल हम इंतज़ार करते हैं और जब ऐसा लगता है कि अरे यार गणेश उत्सव आ गया तो बहुत अच्छा लगता है कि पप्पा जल्दी आ गए घर वापस और एक अच्छा अलग ही सुकून सा महसूस होता है और एक पॉजिटिविटी आ जाती है एक रोशनी आ जाती है घर में एक एक जो हमारा ट्रेडिशन है उसके तौर पर मतलब बहुत अच्छा लगता है जी ओके तुषार सर 30 इयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं आप उनको वो लेगेसी को आप लेके जा रहे हैं आगे कैसा इतना नॉस्टैल्जिक फील करते हैं कि आपके पहले डैडी फिर आप लेके जा रहे हो उसके बाद लक्ष्य भी आगे लेके जा रहे हैं अच्छा लग रहा है मतलब कि ऐसा कुछ प्लान करके नहीं किया था मतलब नेचुरली ही डैड ने बोला कि अभी दो तीन साल पहले आई थिंक 2015 या 16 से उन्होंने कहा कि अभी आप करो तो नेचुरली ही मतलब मैंने शुरू कर दिया और वैसे भी मतलब हमेशा रहता था हमें मतलब पूजा में मॉर्निंग इवनिंग आई वाज ऑलवेज अटेंडिंग तो ऐसा कुछ अलग नहीं लगता पर इट फील्स मोर अकम्प्लिश्ड यू नो लाइक एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होती है जब आप खुद करते हैं घर की पूजा और अब हमारे लिए मतलब इट्स बिकम इट्स अ रिचुअल इट्स अ ट्रेडिशन तो इट्स नॉट रिलीजन इट्स पार्ट ऑफ अस इट्स पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड हमारे मतलब का हमारा जो मतलब हमारे जो रीति रिवाज है सालों से चले आ रहे हैं उसके हिसाब से अभी वो हमारे हमारा एक हिस्सा बन गया है यू नो ये त्यौहार ओके आज के और एक मेंबर जुड़ चुका है रवि सर और कितना और ये फर्स्ट टाइम होगा लक्ष्य के साथ उनका छोटा भाई भी है सो उसके बारे में क्या कहना चाहिए अच्छा लग रहा है मतलब फैमिली और बड़ी हो गई है और रवि को तो अभी तक कुछ समझ में आ नहीं रहा है इज ओनली 6-7 मंथ्स लेकिन आई थिंक अगले साल वो भी इंजॉय करने लगेगा क्योंकि लक्ष्य के लिए तो मतलब एक बर्थडे पार्टी की तरह वो थे गणेश जी का बर्थडे है तो इसलिए वो एक्साइटेड होकर नीचे आते क्योंकि हम उसे बोलते हैं कि हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और आज के दिन जो है पूरी फैमिली मेंबर्स सब घर में साथ में रहते हैं देखा पूजा किया और क्या क्या करने वाले आप हैं एकता मैडम हैं आपके डैडी हैं हर कोई है और क्या क्या करने वाले हैं आज के दिन आप आज के दिन तो मैं आई विल बी विद माय सन ओनली आई विल बी विद द फैमिली ओनली कल मेरी शूट है वापस तो आई विल एंजॉय टुडे एज अ हॉलिडे एंड देन टुमारो आई विल बी बैक टू वर्क या ओके तुषार इस बार क्या स्पेशल होने वाला है कुछ ऐसा स्पेशल कि हर साल कुछ ना कुछ स्पेशल होता है इस बार कुछ स्पेशल या कुछ डेकोरेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कोई स्पेशल नहीं है हर साल की तरह हम लोग मतलब इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाते हैं जो पानी में डिजॉल्व हो साइज़ नहीं बढ़ा रही हम लोग क्योंकि वो भी एनवायरनमेंट को ज़्यादा स्ट्रेस देती है अगर बड़े बड़े गणपति होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है और 5 दिन तक रखते हैं तो नथिंग न्यू इट्स अ सेम ट्रेडिशन 5 डेज की गणपति और मेहमान आते हैं हमारे घर जिनको दर्शन चाहिए लास्ट डे हम एक लंच रखते हैं विसर्जन के पहले अगर मैं शूट पे नहीं रहता हूँ तो मैं जाता हूँ विसर्जन के लिए वरना डैड जाते हैं तो वी शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके तो सर आज पापा से क्या मांगा आपने हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द कंट्री फॉर द इकोनॉमी यस इकोनॉमिकली ऑल्सो वी नीड हेल्थ एंड वेल्थ एंड हैप्पीनेस सो दैट्स माई ओनली विश आज का ये दिन हम देखते हैं कि हर साल जो है आप लोग अपनी फैमिली एकजुट होती है एंड गणपति जी का आगमन होता है आरती हमने देखा ये आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए कितना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं इस दिन का आपको एक बात बताऊं जब से मैं आंखें खोली हैं
पहले 2-3 साल तो मालूम नहीं पड़ा होगा मुझे क्या है। 4-5 साल की उम्र से मेरे घर पे, मतलब जहाँ मैं पहले रहता था रामचंद्र बिल्डिंग में मेरी चाल में, वहाँ सार्वजनिक गणपति आता था बिल्डिंग का। वो 11 दिन 4 साल से लेके 19 साल तक मैं वहाँ रहा, मेरी 19 साल की उम्र तक। वो 11 दिन मेरे लिए बेस्ट दिन होते थे। वो ड्रामा होता था, हम लोग छुप छुप के रिहर्सल देखते थे, फिर पूजा होती थी, पूजा में प्रसाद मिलता था हम, और चाल में तो सब दिखता है ना अंदर क्या है, सब खुला ही होता है। हम देखते थे जहाँ अच्छा प्रसाद मिल रहा है वहाँ घुस जाओ, जहाँ प्रसाद में शक्कर वक्कर है तो वहाँ नहीं जाने का। तो नेचुरली बिल्डिंग में 40 गणपति होते थे, तो 10-15 हम चूज़ करते थे और जाना उसी वक्त जब आरती एंड होने वाली है फाइनल क्लाइमेक्स में, ताकि वो ज़्यादा रुकना ना पड़े। तो इसलिए ये जो मज़ा आता था ना, ये इसका नशा ही अलग है। ये यादें मेरे साथ ही हैं और मेरे साथ ही जाएंगी। और उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया, मैं शिफ्ट हो गया कुलाबा चला गया रहने को। बिफोर आई बिकेम एन एक्टर, कुलाबा गया तो तब भी मेरी पहली पूजा, जो पहली आरती होती है गिरगाम की, वो मैं ही करता हूँ, मेरी फैमिली करती थी। फिर हम लोग जाते, सब जाते थे पहले, आस्ते आस्ते माय फादर डाइड, माय मदर डाइड, माय ब्रदर स्टॉप गोइंग, माय वाइफ स्टॉप गोइंग। पर आज भी हर आरती के दिन मैं कहीं भी हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, मैं रामचंद्र बिल्डिंग की पहली आरती करने के लिए पहुँच जाता हूँ। अभी यहाँ से मैं वहीं जाने वाला हूँ। वो मेरे पुराने यार दोस्तों में से 80% चले गए हैं, दे आर नो मोर, 80-85% सब नए लोग हैं। वो भी उतना ही प्यार और सम्मान से बुलाते हैं और मैं उतनी श्रद्धा और प्यार से जाता हूँ जितना आखिरी दम तक। जब तक मैं स्ट्रेचर पे भी जाना पड़े तो मैं स्ट्रेचर पे भी जाके मेरे एंड तक मैं जाके वहाँ पूजा करूँगा, ये मेरी तमन्ना है। और जब सांस नहीं रहेगी तो नेचुरली उसको याद करते हुए चले जाएंगे। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, तो आप इससे ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे लिए ये गणपति महोत्सव कितना इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है, इसमें जो मैंने मेरी बिल्डिंग में देखा, जो बाद में तो मैं फ्लैट में रहने चला गया दूसरी जगह, बिल्डिंग में जो एकता होती थी, वो इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, फिर खर्चा करना, जो उस ज़माने में मैंने लोगों में इनोसेंस जिसे कहते हैं, हाई मॉरेलिटी। मैं पंजाबी हूँ बाई बर्थ, मेरी पैदाइश अमृतसर की है, बट मैं, मेरी माँ 1 महीने की थी, था मैं जब मुझे बॉम्बे लेके आए, मेरे रग रग में सब महाराष्ट्रन कल्चर है और उस ज़माने का महाराष्ट्रन कल्चर मुझे याद है, इतना मॉरेलिटी में हाई था, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना डाउन टू अर्थ, और थोड़ी सी चीज़ में भयंकर आनंद लेना, ये वो 11 दिन के जो गणपति होते थे उसमें मालूम पड़ता था। तब लोग इकट्ठे होते थे, नहीं तो सब अपने अपने काम में बिजी रहते थे। तो वो 11 दिन में एक ये गणपति उत्सव का जो रियल मीनिंग था कि एक साथ एकजुट होकर मिलकर किसी भी कार्यक्रम को अंजाम देना, जैसे गणपति का 11 दिन के कार्यक्रम होते थे, उसका लेके आना, उसका विसर्जन करना, सब एक मत होके इतने प्यार से करते थे। ऐसी यूनिटी, ऐसी बॉन्डनेस मैंने कहीं नहीं देखी जो मैंने मेरे पहले 19 साल में देखी। और सर, अब हम देख रहे हैं कि ये जो आपकी जो जिम्मेदारी थी, अब आपके बेटे बेटियां जो है आगे बढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हर साल ये देखिए ये तो शायद मुझे देख के स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वो छोटे हैं, पर आगे बढ़ाना तो ये उनके अंदर ही होगा ना, ये उनके अंदर की इच्छा है। मेरी बेटी तो बहुत रिलीजियस है, तुषार भी बहुत रिलीजियस है, अभी उसके बच्चे भी, दोनों के बच्चे आए हैं, अभी वो आगे लेके जाएंगे। ऐसे ही है सिलसिला, हम जाएंगे, वो आएंगे और आगे ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। बट इसका एक अच्छा आनंद है, एक स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू स्ट्रेंथ, इसके अंदर की ताकत है। ये ऐसा नहीं है कि आपको तो कोई इंजेक्शन लग रहा है,
पर एक आपको माइंड में एक फीलिंग आती है कि यस आई कैन डू इट इसकी दया से जी सर। और इन दिनों हम सर देख रहे हैं कि विज्ञान जो है बहुत ही अवेयरनेस हो गया, लोग इको फ्रेंडली बप्पा की बात करने लगे, इको फ्रेंडली बप्पा की बात करने लगे लोग कहते नहीं वो देखिए इको फ्रेंडली बप्पा लाए सी उस जमाने मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब पॉपुलेशन बहुत कम थी तो गणपति भी कम थे तो पॉल्यूशन वॉज नॉट मच ऑफ ए इश्यू, गाड़ियाँ कम थी, सब कुछ कम था, वातावरण बहुत अच्छा था। अब इतना पॉल्यूशन बढ़ गया, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अभी हमको भी चेंज करना चाहिए, बापा की श्रद्धा अंदर रखनी चाहिए। बापा का फिजिकल इमेज तो एक इमेजिनेशन ही है, ये हमारी हम उसको चाहे कागज़ में रखें, फोटो में देखें या सैंड में बना के देखें। अभी आप देखेंगे समुंदर के किनारे किसी ने गणपति का वो कार्विंग करता है, कोई उसके ऊपर जाए ऊपर से कभी नहीं जाएगा। दैट इज़ नॉट दिस, सैंड तो वही है बट फीलिंग चेंज हो जाती है, फीलिंग फॉर गणपति है। इसलिए हमको एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना ही पड़ेगा, अपने एटमोसफियर को क्लीन रखना बहुत 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 ज़रूरी है। ऐसा जाते जाते आज का दिन अपने पूजा की आरती की और क्या क्या करते हैं आज के दिन, पूरी फैमिली मेंबर है यहाँ पर हम देख रहे हैं सब नहीं पूजा तो ये पाँच दिन का गणपति रखते हैं, सुबह शाम पूजा होती है। पहला दिन मैं सिर्फ वहाँ जाता हूँ और मैं हर मंगलवार को सिद्धिविनायक जाता हूँ, ये मैं शुरू से ही मंगलवार कुछ भी हो जाए मैं कहीं भी सुबह हो दोपहर हो रात हो, एक बार तो पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि मैं जाता हूँ, मैं कहता है मैं जाता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ वो बुलाता है, तो ये बुलावा होता है अपनी तरफ से। तो कितने काम आते हैं निकल आते हैं, कोशिश ऐसा लगता है कि आज जा नहीं पाऊँगा फिर भी कैसे भी पहुँच जाता हूँ, तो ये आपके अंदर की श्रद्धा पुल्स यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। नहीं कंटिन्यू नहीं, आई मीन 5 साल रखे थे फिर बीच में थोड़े साल का ब्रेक था, उसके बाद वापस तो सेकंड लेग के अंदर ये मेरा तीसरा साल है। सो क्या फील करती हैं आप हर साल गणपति लाने से पहले, एंड पर्टिकुलर रीज़न होता है कि गणपति लाना है एंड देन इतना ब्यूटीफुल? मतलब एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि जब गणपति आने वाले होते हैं ना उनके प्रेपरेशन में ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई बड़ी शादी हो रही है, हर चीज़ एकदम सही होनी चाहिए, लाइटिंग से लेके डेकोरेशन से लेके हमारे कपड़े से लेके उनके कपड़े से लेके खाने तक सब कुछ सही होना चाहिए। वो नहीं, वो तो पापा ही बता सकते सही था या नहीं था, हम कोशिश कर सकते कि हमने सही किया कि नहीं।
और ये हमने देखा कि बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया है पापा, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल, ये कम वर्ड भी कम पड़ रहा, बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो जरा बताइए कि रोजेस लगाया, फूल लगाया आपने जी, तो कितना टाइम लगभग लग जाता है आपको ये डेकोरेशन करने? सोचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लगाने में 4-5 घंटे लगते हैं. आई मीन जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिसाइड करते हैं, फिर फ्लोरिस्ट है वो आके कर जाते हैं, देन जो लाइटिंग जो इलेक्ट्रिशियन है वो आके अपनी लाइटिंग्स वगैरह करके जाते हैं. सो या इट्स एक्चुअली अ टीम वर्क, एक जन का काम नहीं है ये. एंड यू नो आज पूरा घर फैमिली मेंबर के साथ में, ऐसा हर किसी को बहुत ही कम टाइम मिलता है फेस्टिवल के दिन ही हो सकता है. और क्या कुछ करते हैं आप फैमिली मेंबर के साथ में? एक तो हमने आरती देखी, बहुत ही ऐसे यूनिक थी, यूनिक थी, हमने भी कुछ वर्ड पहली बार सुने. और क्या 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 करती हैं आज के दिन पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ में? तो हम एक्चुअली ये एक ही टाइम है जहाँ हम सारे कजिन एक साथ मिलते हैं, तो आई डोंट थिंक हम सोते हैं बिल्कुल भी. हम सुबह 5-5 बजे तक सोते नहीं, और फिर बाद में 6-7 बजे उठना पड़ता है पापा की फ़र्स्ट आरती के लिए मॉर्निंग में. पर क्योंकि हमारे घर पे 1.5 दिन के आते हैं, तो वो हंसी हंसते हुए खेलते हुए आते हैं और हंसते हुए खेलते हुए चले जाते हैं. हाँ, वो तो है. ऐसी कोई मन्नत रखती है ऋषि जी पापा से, ऐसी पापा से? एक नहीं, काफ़ी सारी है. मन्नत नहीं, मांगे है, आई मीन विशेज है. विशेष को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती. अभी याद नहीं आ रहा. तो हाँ, विशेष है वो, मैं प्रे करती हूँ कि वो पापा फुलफिल कर दे, और अगर डिजर्विंग है तो फुलफिल कर दे. ऐसे नहीं कि मतलब पागलों की तरह मांगती जाऊँ और पापा मतलब फुलफिल करते जाए. मैं कोशिश करूँगी कि मैं उतनी वर्दी बनूँ कि पापा मेरी विशेष फुलफिल करे. क्या बात है. चलिए, एक आपकी तरफ से गणपति बापा मोरिया. थैंक यू जी. थैंक यू सो मच. सर थोड़ा घुमाते हुए. अरे नीचे ये फ्लैश नीचे ले. अरे फ्लैश पूरा काम खराब कर रहा है. अरे मोबाइल. थैंक यू सर. थैंक यू. अरे फ्लैश क्या करता है. गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति. पहले तो मीडिया की तरफ से आपकी पूरी फैमिली को गणेश की बहुत बहुत बधाई. क्या कहना चाहते हैं आज का कितना खास है, क्या सब मिले जुले, क्या कुछ है? सभी से बहुत बहुत गणेश उत्सव की शुभकामनाएं. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ओं विश्वानि देव सवित दुरितानि प्रासवयत् भद्रं तन्नासं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमे वंदनां मृत्युर्मोक्षे मामृतात्. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते. काल हर दुःख हर दारिद्र हर कष्ट हर रोग हर 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 महादेव. थैंक यू सो मच. Happy Ganesh Chaturthi to all of you all. Hi Sumer. Happy मनोरम और मनोहारी सूरत लग रही है आपकी, बड़ी प्रसन्नता लग रही है आपके चेहरे जी. है. थैंक यू सो मच. तेजस्विनी तेज का कोई विशेष कारण? योग प्राणायाम. मुझे ऐसा लगता है कि मैं सदैव कहा करता हूँ योग प्राणायाम करते रहिए. और किसका वजह? मस्त रहा करें और हर हाल में. इसकी वजह? अरे बहुत डिटेल में घुस रहा है. नहीं नहीं, बजा नहीं. बोला किसका फोन बजा? किसका पता नहीं, आजकल तो किस किस की बजती रहती है. सही हाँ, हम सही सही. जीवन में कहीं नई सोच, कोई नए विचार जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? नई सोच और नया विचार, बहुत अच्छा लगा.
मैं जो शुरू में जो पढ़ा वो वही नई सोच और नया विचार है। और मेरा ये सोचना है कि जो हंसते रहें, मस्त रहा करें, व्यस्त रहें, और हर वो चीज़ जो ज़िंदगी में ऊपर वाले ने दी है उसका सदैव धन्यवाद देते रहें, शुक्रिया अदा करते रहें। और गणेश उत्सव के आज के इस बहुत ही शुभ कृपा के देवता, रिद्धि सिद्धि के देवता, प्रथम पूजन के देवता, मैं ये कह सकता हूँ कि अपने जो घर परिवार में आपके जो माता पिता हैं, आप ये समझें कि प्रथम पूजन के ये कारक हो गए। वजह यह है कि वो माता पिता का जो सम्मान किया वो सदैव आप लोग जो है माँ बाप का आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। आप मुझे पूछ रहे थे कि क्या कारण है, तो मुझे ऐसा लगता है कि माता माता ही वो सर्वत्र मात्र देव भव, जो माँ बाप का आशीर्वाद है, जो कृपा है, उसी वजह से जो है सर एक अच्छे रहते हैं। हाँ जी, बहुत सारे लोग पंडाल दर पंडाल जाते हैं, पंडाल हॉपिंग करते हैं, ना आप सर के साथ जाते हैं पंडाल हॉपिंग करते हैं क्या आज भी? यहाँ घर परिवार में पूजा हो रही होती है तो फिर इधर उधर शायद ही, और कहीं खास ऐसी जगह हो जहाँ पे किसी ने कहा हो कि आप आइए तो हम लोग फ्री। हाँ वो पर इंटरव्यू का हिस्सा कैसे हो सकती है उसका, उस पर अभी चर्चा तो नहीं हो जी। Not at all. We always हमेशा पापा जाते हैं, it's a ritual कि पापा goes, he gets the गणपति जी का मूर्ति, and ऐसा हम लोग कभी specifically ऐसा लाना, it should be beautiful and it should be nice and सुनीता जी से पूछा जाता है, पहले उन्हें ही पूछा जाता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, जो सही लगा करता है वो वही किया करते हैं। और ख़ास तौर पे आज का ये जो जो तारीख है और इस तारीख पे ये जो नौवा महीना है, ये बहुत ही कृपा का समय है। और वही प्रार्थना की है, और वो शुरू में ही मैं कह दिया कि वो जो प्रार्थना की है वो, तो उस पर बहुत ज़्यादा विशेष अभी चर्चा नहीं होगी। आप लोग कृपया आए हैं, प्रसाद ग्रहण कीजिए। बहुत साल मम्मी की तरफ से ये घर परिवार में ये जो शुरू हुआ था पूजा, और वहीं से है। और ख़ास वजह ये थॉट ही यही था कि जो माँ बाप की सेवा करते हैं और किसी न किसी रूप से आप समाज के साथ जुड़े रहें, जो चाहे जो जाति के हों, चाहे जो समाज के जो हिस्से से हों, वो आपके साथ दुआओं के या पूजा के किसी न किसी माध्यम से साथ में जुड़े रहे, तो ये बहुत अच्छा एक प्रयोजन है और शुभ है। अभी उस पर चर्चा नहीं होगी। आप अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। थैंक यू सो मच आप लोग। गणपति बाप्पा।